चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पालमपुर में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के लिए 11 सितंबर 2022 से 24 सितंबर 2022 भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने दी। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि कांगड़ा और चंबा जिले के युवा पात्र युवाओं के लिए 5 जुलाई से वेबसाइट पर अपना पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हुई है। अब तक 25,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण विंडो 5 जुलाई से लेकर 30 दिनों के लिए खुली रहेगी। यह रैली अग्निवीर सैनिक डीजी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए आयोजित की जाएगी। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए तकनीकी ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने का यह एक शानदार अवसर है। देखिए, जिला कांगड़ा और जिला चंबा के लिए जो इस बार निर्धारित हुआ है वो पालमपुर के अंदर जो आर्मी रिक्रूटमेंट है रैली वो आयोजित की जाएगी और ये 11 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो ये रिक्रूटमेंट रैली है इसका आयोजन किया जाएगा। और जो हमें आर्मी अथॉरिटी से फीडबैक मिली है, इस बार जो रजिस्ट्रेशन है जो कि 5 जुलाई को खोल दिया गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है और अनुमानित है कि 25,000 से अधिक जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस रिक्रूटमेंट रैली के अंदर भाग लेंगे। और इसमें तमाम प्रकार की जो तैयारियाँ हैं, जो चयन है वो रिक्रूटमेंट रैली के ग्राउंड का, वो यूनिवर्सिटी पालमपुर के ग्राउंड के अंदर ये रैली की जाएगी और जो समन्वय ज़िला प्रशासन और आर्मी अथॉरिटीज़ के बीच में किया जाना है उसके ऊपर सारी कार्रवाई कर ली गई है और प्रयास किए जा रहे हैं कि इस रैली को एज स्मूथ एज पॉसिबल जो है उस ढंग से आयोजित करने का जो है वो किया जाए। और साथ ही साथ जो जितने भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति है, चाहे वो सर्टिफिकेट वैलिडेशन के लिए हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, उनकी भी नियुक्ति कर ली गई है और SDM पालमपुर को नोडल अधिकारी इस संदर्भ में बनाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि बारिश का भी मौसम है और डिपेंडेंट रहेगी जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है मानसून के ऊपर, यदि ज़्यादा बारिश होती है किसी दिन तो जो उस दिन के कैंडिडेट्स हैं उनको अगले दिन के लिए भी जो इंटीमेट किया जाएगा, तो जो इस तमाम तैयारियां हैं उनको इंटीमेट करने की, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो चाहे डिजिटल मीडियम के माध्यम से हो, उसकी भी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जो जितनी भी तैयारियां हैं वो ठीक रूप में की जा रही हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।